Very good morning, everyone. Very good morning. My name is Ashutosh Kumar Singh, and I welcome you all in Current Affairs Class today on behalf of Vardhan Academy. चलिए तो फिर आज 1 अप्रैल है, आज 1 अप्रैल की सुबह है और करंट अफेयर की हमारी नई शुरुआत होने वाली है आज इस महीने की पहली क्लास। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पेन है गले में, ठीक है। चलिए तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे कंप्लीट। आइए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है रिसेंटली हु हैज स्वॉन इन एज द सीएम ऑफ गोवा फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार किसने शपथ ली। तो देखिए ये पहले मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ के, ये थे आपके प्रमोद सावंत, जो फिर से गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रमोद सावंत, ठीक है। उद्धव ठाकरे कहाँ के मुख्यमंत्री बताइए, उद्धव ठाकरे कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए उद्धव ठाकरे कहाँ के मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली हु वन द विमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ स्विस ओपन 2022, है ना, स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। आपको पता है ये जो खिताब है ये किस खेल से संबंधित है, ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन, ठीक है, और बैडमिंटन से संबंधित है, ये सभी खिलाड़ी बैडमिंटन की हैं, ओके। आपको बताना है किसने जीता है विमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ स्विस ओपन। ये हो जाएंगी आपकी पीवी सिंधु, ठीक है, ध्यान रखिएगा पीवी सिंधु ने विमेन्स सिंगल टाइटल स्विस ओपन 2022 जीत लिया, ओके। As announced by the Ministry of Environment, every year 5th October will be celebrated as. बताइए 5 अक्टूबर इसे किस दिन के रूप में अब से सेलिब्रेट किया जाएगा, ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका घोषित किया गया है कि ये आपका 5 अक्टूबर मनाया जाएगा नेशनल डॉल्फिन डे, ठीक है, ध्यान रखेंगे नेशनल डॉल्फिन डे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इंडियन एक्टर हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यश आइलैंड इन अबू धाबी। अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को बनाया गया है। देखिए यहाँ खिलाड़ी लिख दिया गया है, खिलाड़ी नहीं किस कलाकार को बनाया गया है, ठीक है, किस कलाकार को बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो कौन हो जाएंगे, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यस आइलैंड अबू धाबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच सिटी हैज बिकम द मोस्ट नॉइस पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए। चलिए मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो, ढाका, इसमें दिल्ली तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, चलिए एक और ले लीजिए आप दिल्ली। अब बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर है आपका बांग्लादेश का ढाका, ठीक है, एंड ढाका जो है यही आपका सबसे ज्यादा दुनिया में नॉइस पोल्यूटेड सिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली अर्थ आवर वाज सेलिब्रेटेड। अर्थ आवर क्यों क्यों मनाया जाता है, क्या किया जाता है इस दिन, तो अर्थ के लिए सोच के कुछ किया जाता होगा, है ना, अर्थ आवर। तो इसमें 1 घंटे के लिए आप देखेंगे पूरी दुनिया में लोग बिजली घरों की बंद कर देते हैं जिससे कुछ कमी आए और खपत कम हो, है ना, और पर्यावरण में हम थोड़ी सी हिस्सेदारी अपनी निभा पाए। तो ये जो अर्थ आवर है ये हर साल मनाया जाता है, और ये अर्थ आवर कितना तारीख को मनाया जाता है, ये है आपका 26 मार्च, ठीक है, 26 मार्च को ही आपका अर्थ आवर मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
Which movie grabbed the Best Film Award at Oscars 2022? 2022 के ऑस्कर में आपको बेस्ट फिल्म का अवार्ड किससे मिला है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड, इफ यू रिमेम्बर, हमने दो एक मूवी और एक डॉक्यूमेंट्री देखा था जो कि आपका ऑस्कर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी इंडिया से, ठीक है? लेकिन हालांकि वो जीती नहीं है वो मूवी, लेकिन काफी अच्छी मूवी। ओके, तो ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है आपके कोडा को, ठीक है? कोडा। और आप देखिए किंग रिचर्ड क्या है, किंग रिचर्ड में आपके विल स्मिथ जो मूवी स्टार थे, विल स्मिथ, इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ड्राइव माई कार, दिस इज अ जापानीज मूवी, जापानीज मूवी, ठीक है? और इसे इंटरनेशनल मूवी के लिस्ट में सबसे बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। और एनकांतो, एनकांतो जो है ये आपकी बेस्ट एनिमेटेड मूवी, बेस्ट एनिमेटेड मूवी, ठीक है? इसे बेस्ट एनिमेटेड मूवी का अवार्ड मिला है एनकांतो, ठीक है? ध्यान रखिएगा, कोडा, किंग रिचर्ड, ड्राइव माय कार एंड एनकांतो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ उत्तराखंड असेंबली, देखिए उत्तराखंड की असेंबली में आज तक कोई महिला स्पीकर नहीं बनी थी, आपको बताना है पहली महिला स्पीकर कौन बनी है। तो देखिए मीरा कुमार, ये भाई हमारे लोकसभा में थी, सरोजिनी नायडू काफी पहले की व्यक्ति हैं, बेबी रानी मौर्या ये आजकल पहले गवर्नर थी। ओके, पहले पहले गवर्नर थी, अब ये यूपी से इलेक्शन वगैरह लड़ रही हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रितु खानदुरी, ठीक है? रितु खानदुरी को पहली महिला स्पीकर बनाया गया उत्तराखंड विधानसभा की, ठीक है? द वर्ल्ड बैंक हैज इशूड द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड टू सेव विच एनिमल इन अफ्रीका, ये एक ऐसा पशु है जो विलुप्त होने की कगार पे है और इसे बचाने के लिए देखिए वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है उसने पहला वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशू किया है, पहला पहली बार एक वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशू किया है। तो ये कौन सा जानवर है आपको बताना है, अफ्रीकन एलिफेंट, कांडला राइनोसोरस, वन हॉर्न राइनोसोरस या फोर फिंगर टॉर्टोइस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांडला राइनोसोरस, ठीक है? कांडला राइनोसोरस। ओके, ध्यान रखिएगा जब भी आपके वर्ल्ड बैंक के, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड बैंक ने वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशू किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए रिविजिट क्वेश्चन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी स्टार्टेड इन विच सिटी, तो राइट आंसर क्या था, कल हमने क्वेश्चन किया है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी को शुरू किया गया। चलिए, सेवंथ स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया, यह आयोजित किया गया आपके नई दिल्ली, ठीक है? नई दिल्ली में आपका सेवंथ स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो आयोजित किया गया है। चलिए, आरबीआई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रलय मंडल एज सीईओ ऑफ विच बैंक, तो प्रलय मंडल को कहाँ का सीईओ घोषित किया गया है, देखिए प्रलय मंडल को सीएसबी बैंक, सीएसबी बैंक का, ये सीएसबी बैंक के आपके सीईओ घोषित किए गए थे लेकिन आरबीआई ने इसके ऊपर अप्रूवल दे दी है, इसमें कुछ इशू हो गया था, है ना, ये हमने कल डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिसेंटली वन द 2022 गवर्नर्स अवार्ड, ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक ऑफ चिले, सेंट्रल बैंक ऑफ चिले, यहाँ के गवर्नर, जैसे हमारा आरबीआई है वैसे सेंट्रल बैंक ऑफ चिले, और यहाँ के जो गवर्नर हैं ये कौन है, ये हैं आपके मारियो मार्सल, ठीक है? तो मारियो मार्सल ने ही जीता है 2022 का गवर्नर्स अवार्ड। ओके, द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है, ये बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय ये हम कर चुके हैं, ये कौन है, ये है दलाई लामा एंड डेसमंड डुअल, डेसमंड डुअल और दलाई लामा के द्वारा ये किताब लिखी गई है, द लिटिल जॉय, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ओके, चलिए यहीं तक रखते हैं आज की बात, करंट अफेयर्स की यहीं तक रखते हैं आज की बात, कल फिर से मुलाकात होगी।
कल फिर से मुलाकात होगी। उससे पहले आपसे आज ही दो तीन बार मुलाकात होने वाली है, आज कई क्लासेस शेड्यूल्ड हैं। मैंने कल आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी, 8:30 हमारा रेगुलर क्लास होता है, उसके अलावा एक पॉलिटी की रिक्वेस्टेड क्लास में आपके लिए पार्लियामेंट सेशंस, पार्लियामेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन आर, जीरो आर, इन सभी कॉन्सेप्ट, मोशंस वगैरह, इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आज एक क्लास और ला रहा हूँ। जल्दी ही मैं आपको इसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा, वरदान अंडरस्कोर अकेडमी अंडरस्कोर जीएस जो कि टेलीग्राम चैनल है वहां पे, ठीक है। चलिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली करंट अफेयर आपके लिए ला रहा हूं मैं जबरदस्त रिवीजन के साथ। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को याद रखना। ओके चलिए, ओके तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड मॉर्निंग, बाय बाय।